संक्रांति स्पेशल तिल का लड्डू आज हम बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी होता है। इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे। एक ही बार में ये लड्डू परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी तिल लिया है और एक कटोरी गुड़ लिया है। जितना तिल उतना ही मैंने गुड़ लिया है। इस तिल को सबसे पहले हम लो फ्लेम में थोड़ा सा भूनेंगे। ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। थोड़ी देर हमें इसको लो फ्लेम में भून लेना है। तो मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम में भून लिया है। अब हम इसे निकाल के एक प्लेट में रख देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। यहाँ पर उसी कढ़ाई में फिर से गर्म करके मैंने डाल दिया है गुड़। गुड़ में मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच के बराबर। अब हम इसको मिक्स करते रहेंगे और गुड़ को पिघलने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पर गुड़ हमारा पिघल रही है, इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे। मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच। घी ऐड करने से हमारा लड्डू में शाइनिंग आएगा और मॉइस्चर भी रहेगा। इसका पाक हमें बनाना है, तो यहाँ पर एक प्लेट में मैं थोड़ा सा घी ग्रीस कर रही हूँ। प्लेट में घी इसलिए लगा रही हूँ ताकि जो तिल का लड्डू हम इसमें डालेंगे वो बहुत गर्म होता है। तो यहाँ पर मैं कटोरी में पानी रख के गुड़ में पाक हुआ या नहीं हुआ इसको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर जो गुड़ है थोड़ा सा पाक होना और बाकी है, तो हम थोड़ी देर इसको और कुक करेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर और हम लो फ्लेम में चलाते हुए गुड़ को पाक दे रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड किया है, कार्डमम पाउडर। दोबारा मैं चेक कर रही हूँ पानी में, थोड़ा सा गुड़ ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको उंगली से इस तरह से, अगर ये इकट्ठा हो जाता है तो ये हमारे जो पाक है वो बन चुका है। देखिए ये अच्छे से इकट्ठा हो रही है, यानी कि पाक जो है वो रेडी है। यहाँ पर मैं तिल जो भुना हुआ था इसको मिला रही हूँ, धीरे धीरे से मिलाएंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो में रहेगा, कंटिन्यू चलाते हुए हम तिल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा तिल डाल दिया है। यहाँ पर हमें तब तक थोड़ा सा इसको मिक्स करना है जब तक कि इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पर कढ़ाई छोड़ने लगेगा तब हम इस गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर काफ़ी टाइट होने लगा है तो हम अभी गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई से भी अलग हो रही है, दिख रहा है शायद आप लोगों को। अब हमने गैस को बंद कर दिया है और फिर यहाँ पर थोड़ी देर इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। गैस बंद करके हम थोड़ी देर इसको इसी तरह से चलाएंगे। अब हम इसे जिसमें हमने घी मिलाया था, जिस प्लेट में, इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके, करछी से बहुत गर्म होता है, हाथ जलने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो यहाँ पे हमें बहुत सावधानी से ये लड्डू बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर हाथों में भी घी लगा चुकी हूँ और इस तरीके से पहले थोड़ा थोड़ा करके करछी से मैंने अलग कर लिया, उसके बाद में हाथों से ऐसे गोल बना रही हूँ। ये अभी पूरी तरह से बंधेगा नहीं, एक बार तो निकल जाए, खुल जाएगा, लेकिन इसे दोबारा हम बांधेंगे। घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है, इसको हम फिर से बांध सकते हैं। पहले हम इसका गोल बना लेंगे, सारे जो तिल है सारे का बना लेंगे, नहीं तो ये बहुत टाइट हो जाएगा, बाद में हम नहीं बना सकते। हाथों में यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं, इससे हमें गर्म जो है ना ज़्यादा लगेगा नहीं, हाथ भी नहीं जलेगा। तो इस तरीके से मैंने सारा लड्डू को पहले बांध लिया है। अब इसको फिर से एक बार फिर से मैं अपने हाथों से इसका लड्डू बांधूंगी। देखिए अभी बिल्कुल भी गर्म नहीं लग रहा है, हाथ जलने का कोई डर नहीं है, बहुत अच्छा से ये बन जा रही है। अभी खुलेगा नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, अंदर से नरम रहेगा, ऊपर से क्रिस्पी और बहुत टेस्टी होता है। संक्रांति में इसे आप लोग भी ज़रूर बनाइए इस तरह की रेसिपी। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर
जरूर कीजिए। तो यहाँ पर हमारा लड्डू देखिए काफ़ी सॉफ्ट दिख रहा है और काफ़ी शाइनिंग भी है। शाइनिंग इसलिए क्योंकि हमने इसमें घी ऐड किया था। ये रेसिपी पसंद आने पर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।